हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम खेलने जा रहे हैं आइसक्रीम यूनाइटेड मल्टीप्लेयर। भाई ये गेम है, या तो इस गेम का पूरा एड्रेस ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जो आजकल के गेम आ रहे हैं ना भाई, उनके नाम इतने बड़े बड़े हैं ना, एड्रेस लगता है मेरे को कहीं का। तो लेकिन मैं जो है इस गेम के बारे में बता देता हूँ। हमें जो है इसमें रॉड्स अंकल हो, आप लोगों को याद ही होगा, जो बच्चा चोरी करते थे। और ये जो है मल्टीप्लेयर वाला होने वाला है। और इसमें जो है हम पाँच प्लेयर होते हैं, और पाँच प्लेयर में से एक बंदा, मतलब जो भी अगर पांच अपने टीममेट होंगे उसमें से जो है एक बंदा जो है रॉड्स अंकल बनता है, और वो जो है हमें चारों को स्केप नहीं करने देता है। और हमें जो है शायद इसमें 8 या तो 9 मिनट का टाइम मिलता है जिसमें हम स्केप कर सकते हैं। जो उसका मैप है वो जो है आइसक्रीम अंकल की फैक्ट्री है, जो उसमें शायद वो या तो आइसक्रीम 7 या तो आइसक्रीम 6 में था, पता नहीं मेरे को इतना याद नहीं है। उसमें वो जो है फैक्ट्री होती है, और हमें जो है उस फैक्ट्री से स्केप करना पड़ता है। और हम जो है अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं है। जैसे पबजी में जैसे हम अपने माइक से अपने दोस्तों के साथ बातें कर सकते थे, इसमें जो है वो नहीं है। इसमें जो है हम खाली टेक्स्ट कर सकते हैं अपने दोस्तों को कि हाँ भाई इधर आ जा, इधर पे ये पजल सॉल्व कर ले, बस यही है। ऐसा सब हम कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो चलो अब चलते हैं सीधे इसके मैच में। भाई इतना लंबा इंट्रो दे दिया मैंने। अभी जो है मैं इसमें रॉड्स अंकल बनाऊँ, तो अभी जो है मैं इन चारों बच्चों को स्केप नहीं करने दूंगा इधर से। ये जो है वैन से स्केप करते हैं, लेकिन मैं इधर से ऊपर चलता हूँ। गेम थोड़ी बहुत तो लैग हो रही है, वैसे भी ये अभी आई है, करीबन इसे का शायद एक हफ्ता ही हुआ होगा, ज़्यादा तो इसे हुआ नहीं है। भाई वैसे अंकल की स्पीड भी थोड़ी बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन ये 7 मिनट तक शायद मेरे को अब जाना पड़ेगा उन बच्चों को पकड़ने के लिए। चलो इसका मतलब अब जो है मैं उन बच्चों को पकड़ने के लिए जा सकता हूँ। इधर पे देखते हैं, मैं किसी को भी स्केप नहीं करने दूंगा इधर पे। ये रही ना एक, चलो मैंने इधर पे इसे जो है फ्रीज कर दिया है। भाई ये नहीं जा सकती अब नहीं जा सकती। ओ चली गई भाई, कितना दिमाग है इसमें। अब मैं इसे पकड़ू कैसे, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। खाली इस पे आइसक्रीम ये सब भी मार सकते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं इसे पता नहीं कैसे पकड़ूंगा। चलो इधर पे जाए, मैंने इसे फिर से फ्रीज में कर दिया है, लेकिन मैं इसे पकड़ूं कैसे पता नहीं भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा इधर पे इसे पकड़ना कैसे है। ये फिर इधर पे आएगी, और ये जो है इसका जो इसके हाथ में केरोसिन ऑयल है, ये जो है वैन का पेट्रोल है, और मेरे को इसे इसके अंदर नहीं जाने देना है। भाई ये रही ना, ले इसे फिर से फ्रिज में कर दिया, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा मैं उसे पकड़ूं कैसे अभी। लेकिन मैं इसे कुछ भी तो नहीं कर सकता, आइसक्रीम भी नहीं है मेरे पास। भाई मैं इसे जाने देता है अब, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसने एक स्केप तो कर दिया है, जो इसमें केरोसिन का ऑयल था। भाई ये लोग मेरे को लग रहा है पक्का स्केप कर देंगे। और मैं किधर पे जा रहा हूँ, ये मैं आर पार कैसे देख रहा, कौन से ग्लिच है ये? देखो ग्लिच है इसका, मतलब शायद ये इसमें मैंने एक ग्लिच तो फाइंड कर लिया। यही तो है यार, ये बार बार आ जा रही इधर पे ना। अभी तक इन्हें एक भी आइसक्रीम नहीं मिली है, और आइसक्रीम मेरे को पता है किधर पे रहती है। चलो इसे मैंने जो है फ्रिज में कर दिया, मैं इधर से आइसक्रीम निकालने की कोशिश करता हूँ, क्या पता निकल पाएगी। मेरे को तो नहीं लगता नहीं निकल पाएगी इधर से। भाई दूसरी ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इनके साथ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने जाए इसके प्रैक्टिस मैच में इसका स्केप किया था कल ही, और मेरे को ये नहीं पता था मैं इसमें आइसक्रीम अंकल भी बन सकता हूँ। लेकिन चलो एक आइसक्रीम तो उन्होंने लगा दी, मेरे को एक और ढूंढनी है और उसे भी लगानी है। और एक जो है इधर पे होती है, जो इधर पे एक विंडो है, हाँ इधर पे, और उसके लिए चाहिए मेरे को रिवॉल्वर। और रिवॉल्वर मेरे को कहाँ पे मिली थी उस दिन, और रिवॉल्वर मेरे को पता नहीं किधर पे मिली थी। बस इसके लिए गोल्डन की चाहिए, और गोल्डन की मेरे को नहीं पता किधर पे रखी है। इधर पे तो अंकल का कार्ड भी होता था भाई, वो बच्चे चुरा के ले गए, ये चारों के चारों बच्चे चुरा के ले गए इधर पे। उन्होंने वो गन भी बना ली, इसका मतलब इधर पे जो है हमें एक गन भी क्राफ्ट करनी पड़ती है। चलो एक गन तो मिल गई मेरे को, लेकिन इसकी एमो नहीं पता अबे, लेकिन मैं इसे उठा ही नहीं सकता। यहाँ पे जो है गन क्राफ्ट करते हैं। कंट्रोल रूम में जो है इधर पे एक बटन लगाना पड़ता है, जो ब्लू कलर का होता है, और वो भी चलो इन्हें नहीं मिला है। खाली इन्होंने एक ही चीज़ अभी कंप्लीट की है, लेकिन इसका कार्ड कहाँ गया, रॉड्स अंकल का, ये नहीं पता चल रहा मेरे को।
अगर एक बार कार्ड मिल गया ना, शायद वो मैं भी स्केप कर सकता हूँ, लेकिन अभी 31-30 मिनट तो हो रहे हैं, पता नहीं इसमें क्या करना होगा मेरे को। शायद इसके बाद मैं जाए इसमें बच्चा बन जाऊँगा, और इनमें से चारों में से कोई क्या पता रॉड्स अंकल बन जाए। तो इधर पे जाए 3-2-1, अब पता नहीं किधर क्या होगा इधर पे। भाई इधर पे पता नहीं क्या हो रहा है, एक गेट खुल गया इधर पे, और इधर पे रॉड्स अंकल जा रहे हैं। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और आज आप लोगों ने देख लिया होगा भाई मैं पता नहीं कहाँ इसमें से रॉड्स अंकल बन गया, जो मतलब आइसक्रीम अंकल थे, और मैंने जो है चलो इसमें से इन बंदों को स्केप भी नहीं करने दिया, ये जो है मैंने बहुत तगड़ा किया, और इसमें जो है मेरा स्कोर सबसे टॉप पे है, और आप लोगों के सामने ये देख रहा होगा इसमें जो है मैं जीत चुका था और मेरा स्कोर इसमें टॉप पे है, और इधर पे जो है मैंने किसी भी बंदे को मतलब स्केप नहीं करने दिया, और इसमें जो है मेरे बच्चों को इसमें जमाया भी था, और इसमें क्योंकि मैं अंकल बन चुका हूँ तो इसलिए मैंने इनमें से इन बच्चों को स्केप भी नहीं करने दिया, और इनको जो है मैंने जमाया था, और मैं जो है #1 पे था, और ये क्या है मैक्सवेल सेकंड पे थी, और ये पता नहीं कौन रशियन लड़का है कि लड़की है, नाम पता नहीं इनका समझ में नहीं आता मेरे को। तो चलो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, और मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।